हेलो बच्चों, आज हम तीन वर्णों वाले शब्दों का दोहरान करेंगे। और सबसे पहले हम तीन वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाएंगे और चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखेंगे और खाली जगह में सही अक्षर को लिखकर शब्दों को पूरा करेंगे। तो आओ अब हम तीन वर्णों वाले शब्दों का दोहरान करें। आओ बच्चों, अब हम तीन वर्णों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। यहाँ क्या लिखा है? ट प क, एक साथ बोलते हैं टपक। भ व न, एक साथ जोड़ के देखें भवन। ग ग न, गगन। र ब ड, एक साथ बोलेंगे रबड़। न म क, नमक। वेरी गुड बच्चों। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को पहचान कर तीन अक्षर वाले शब्द लिखेंगे। पहला चित्र मटर, तो यहाँ लिखेंगे मटर। दूसरा चित्र किसका है? यह कलम का चित्र है, तो यहाँ लिखेंगे कलम, कलम। तीसरा चित्र किसका है? यह बतख का चित्र है, तो अब यहाँ लिखो बतख, बतख। चौथा चित्र कलश का है, तो यहाँ लिखेंगे कलश, कलश। पांचवा चित्र किसका है? यह तो सड़क का चित्र है, अब हम यहाँ लिखते हैं सड़क, सड़क। यह क्या है? यह औरत का चित्र है, तो यहाँ लिखेंगे औरत, औरत। वेरी गुड। यहाँ हम चित्रों को पहचान कर खाली जगह में सही अक्षर को लिखकर शब्द को पूरा करेंगे। पहला चित्र किसका है? यह कमल का चित्र है, और यहाँ क्या क्या लिखा है? यहाँ क लिखा है और ल लिखा है, कौन सा अक्षर नहीं है? म। वेरी गुड। अब हम इसको पढ़ें, क म ल, कमल। यह क्या है? यह बटन का चित्र है, यहाँ पर क्या लिखा है? ब और न, क्या नहीं लिखा हुआ है? यहाँ ट नहीं लिखा है, अब हम यहाँ लिखते हैं ट। अब पढ़ें ब ट न, बटन। यह किसका चित्र है? यह मगर का चित्र है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? म और र, क्या नहीं लिखा हुआ है? यहाँ ग नहीं लिखा है, अब हम यहाँ ग लिखकर पढ़ते हैं म ग र, मगर। यह किसका चित्र है? यह नयन का चित्र है, यहाँ लिखा है न और यहाँ भी न, क्या नहीं है? यह नहीं है, अब हम यहाँ लिखेंगे यह और इसको पढ़े न य न, नयन। वेरी गुड बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है घर पर इनका अभ्यास कीजिएगा। थैंक यू।